हम सब के लिए फखर की बात है शिराज सिर्फ मेरा बेटा नहीं है बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान का बेटा है, इसलिए हम सबको इस पर फखर होना चाहिए। मैं आप सब आज मैं वजीर आजम बन जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आसिफ और हर कोई इस वक्त चाहता है कि हमारा बच्चा शराजी जैसा हो। और आप जानते हैं कि शराजी इस वक्त टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर वायरल है, हर जगह उसके मिलियन व्यूज हैं। और वाकई उस बच्चे के अंदर एक टैलेंट है, जिस मासूमियत के साथ, जिस सादगी के साथ उसने अपने इलाके को सब लोगों में दिखाया, पूरी दुनिया में दिखाया। उसकी प्यारी प्यारी बातें, प्यारी प्यारी हरकतें देखकर लोग बहुत ज्यादा फिदा हो गए। और इस वक्त वो मिलियन व्यूज उन्होंने सिर्फ 2-2.5 माह में किए, जबकि उनके वालिद साहब 2.5 साल से काम कर रहे थे और उनके 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। और इतनी मेहनत उन्होंने की, ये नहीं, ऐसा नहीं है कि शराजी एकदम आ गया, ये उसके वालिद साहब की मेहनत है जो 2.5 साल से वो मेहनत कर रहे थे। वो सियाचिन में वो रहते थे और अपना इलाका दिखा रहे थे। और इस बच्चे ने वायरल होना था, ये अल्लाह का निजाम है कि जिसे चाहे इज्जत दे, और इतनी इज्जत दी कि शराजी विलेज व्लॉग चैनल को जब बहुत सारे चैनलों ने देखा, उन्होंने इंटरव्यू के लिए भी बुलाया और ARY वालों ने भी बुलाया। और ARY शाह ने रमजान, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जहां पर बहुत सारी वीडियोज आपने देखी, और वहां से एक नाम बनाया उन्होंने। और एक हफ्ता 10-12 दिन रहने के बाद वो वापस लाहौर गए और वहां पर बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर मिले, वहां दावत उनकी हुई और वो सब वीडियोस आपने देखी। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि शिराजी विलेज व्लॉग के छोटे से बच्चे शिराज को वजीर आजम ने अपने पास बुलाया और वजीर आजम से मुलाकात की। तो आप देखते हैं कि उन्होंने वजीर आजम से मुलाकात की, कितनी दिलचस्प है, आप जरा वो मुलाहजा करें। आप मेरी कुर्सी पर बैठ जाओ। बेटे आज मैं वजीर आजम बन जाऊंगा। माशाल्लाह, ये बहुत ही बड़ी बात है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ इनको मिले। कौन से ऐसे व्लॉगर्स हैं जिनको वजीर आजम मिले? कोई भी नहीं ऐसे। ये सिर्फ इस बच्चा था, इसको वो इज्जत मिली। ना सिर्फ ये वजीर आजम से मुलाकात की, और वजीर आजम मुलाकात के बाद जब ये अपने इलाके में गए और किस तरह इनका इस्तकबाल किया गया, जैसे मुल्क का वजीर आजम आ गया हो। जगह जगह पे लोग हार लेकर खड़े हुए हैं और एक प्रोटोकॉल की तरह ये अपने घर पे गए। ये बहुत बड़ी इज्जत की बात, यकीन करें। उनके वालिद साहब ने ये बात कही कि ये मेरा बेटा नहीं, ये पूरे बल्तिस्तान का बेटा है। और यकीन करें, वो एक एम्बेसडर की तरह इस वक्त सामने है और बहुत सारे चैनल उसको इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन उनके वालिद साहब ये चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे की इतनी मासूमियत को ना छीनूं, और इस वक्त हर चैनल चाहता है कि वो हमारे पास आए। और वो बहुत सारे चैनलों को उन्होंने इनकार किया और वो वापस अपने घर चले गए। हम उम्मीद करते हैं कि शराजी की इसी तरह की मासूमियत हम देखते रहें और कोई भी इनकी मासूमियत को ना छीन सके। और दुआ करते हैं अल्लाह पाक इनको और कामयाब करें। ऐसी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। कुछ भी।